घड़ी देख सकते हो, ये घड़ी को पहले जेब में रखते थे। पब्लियस पास्कल ने क्या किया, ये घड़ी को ये चेन से बांध लिया और अपनी हथेली में बांध लिया, तो जिसमें समय दिखने में आसानी हो। उनके कई साथियों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन आज हम सब कलाई पर घड़ी पहनते हैं। बच्चों, किसी का मजाक बनाना बहुत आसान होता है, पर इस चीज में कितनी जो चीज नहीं बनाई जाती उसमें कितनी मेहनत लगती है उसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। पहले चाबी भरने वाली घड़ियां बनती थी, जिनकी जगह कॉर्ड्स ऑटोमेटिक तथा इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों ने ले ली है। बच्चों, पहले चाबी भरने वाली घड़ियां बनती थी, आप देख सकते हैं बच्चों ये चित्र में, ये है पेंडुलम घड़ी। ये पेंडुलम घड़ी में ये कांच का बॉक्स रहता है, जिसमें जो ये यंत्र है इसे पेंडुलम कहते हैं, और इस ये बीचों बीच में दो होल है, उसके पीछे स्प्रिंग्स होती है, और यहाँ ये नीचे आप छोटा सा छेद देख सकते हैं, होल है, वो होल नहीं है, वहां पे चाबी रखने की जगह होती है। ये चाबी से ये दोनों होल में स्प्रिंग को टाइट किया जाता है, जब घड़ी रुक जाती है, जब हम चाबी भरते हैं तो समय की गति सही दिखाती है, और ये जब घड़ी रुक जाती है तब इसको चाबी लगाई जाती है, और ये पेंडुलम यहाँ राइट से लेफ्ट से राइट हिलता है, तो इसे पेंडुलम घड़ी कहते हैं। बच्चों, आपके घर में कोई छोटे बच्चे होते हैं, उनके पास चाबी लगाने वाली कार होती है, तो आपने देखा होगा हम कार को चाबी लगाते हैं, या कोई खिलौना होता है खिलौने को चाबी लगाते हैं तो वो घूमता है, और जब उसका चाबी फिर से लगाते हैं तो फिर से घूमता है, तो वैसे ही ये भी पेंडुलम घड़ी वैसी है, जिनकी जगह अब कॉर्ड्स ऑटोमेटिक तथा इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों ने ले ली है, पर अब इसकी जगह पे मतलब चाबी भरने वाली घड़ियों की जगह पे कॉर्ड्स ऑटोमेटिक तथा इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों ने ले ली है। कॉर्ड्स एक प्रकार का क्रिस्टल है, यानी कि कॉर्ड्स एक कांच के छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे छोटे कण हैं, जो स्पेशली घड़ियां बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें स्थायी रूप से यांत्रिक गुण रहते हैं, जिसमें स्थायी रूप यानी कि परमानेंट जो यांत्रिक यानी कि छोटे छोटे जो मशीन रहते हैं वो रहते हैं, और एक खास तरह के कॉर्ड्स के घड़ी सेकंड के एक लाखवें हिस्से का भी नाप सकती है। एटम मतलब एक घड़ी सेकंड का एक लाखवा हिस्सा भी नाप सकती है, इतनी तरक्की की गई है। विश्व में कुछ घड़ियां ऐसी हैं जो अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि विश्व में यानी कि दुनिया में कुछ घड़ियां ऐसी हैं जो अपनी स्पेशलिटीज के लिए फेमस है। अमेरिका में एक ऐसी घड़ी बनाई गई थी जो 5 बार नमाज पढ़ने वालों के लिए समय विशेष पर विशेष ध्वनि निकालती है, मतलब जो लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं उन लोगों के लिए 5 बार अलग अलग प्रकार के रिंग टोन्स यानी कि अलग अलग प्रकार की आवाज देती है। लंदन के संसद भवन में विकवेन वॉच के नाम से एक ऐसी घड़ी रखी है जो प्रति घंटे जीसस क्राइस्ट के 4 उपदेश पटल पर अंकित कर देती है। लंदन के संसद भवन में एक ऐसी घड़ी है कि जो जीसस क्राइस्ट के उपदेश पटल यानी कि स्क्रीन पर अंकित करती है, यानी कि स्क्रीन पर छपते हैं जीसस क्राइस्ट के उपदेश। भारत के जोधपुर में भी एक ऐसी घड़ी रखी है जो इतना मधुर संगीत सुनाती है कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जोधपुर में भी एक ऐसी घड़ी है जो इतना अच्छा म्यूजिक सुनाती है कि लोग उस म्यूजिक में लीन हो जाते हैं। विज्ञान के बढ़ते कदम धरती से अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं। आज विज्ञान ने साइंस से इतनी तरक्की कर ली है कि उनके कदम धरती यानी कि हमारी धरा हमारी अर्थ से अंतरिक्ष यानी कि आकाश तक पहुंच गए हैं। वहां भी परमाणु घड़ियां उपग्रहों की स्थापना के समय काम आती हैं। परमाणु घड़ियां यानी कि एटॉमिक क्लॉक उपग्रहों की स्थापना के समय काम आती है। उपग्रहों में यानी कि हमारी जो सैटेलाइट जो होती है उनके समय काम आती है। परमाणु घड़ियों पर तापमान यानी कि टेम्परेचर, गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी और वायुमंडल के दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वायुमंडल यानी कि एटमोस्फियर, तो इनका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घड़ी की सुइयां समय के निरंतर बढ़ते रहने का संकेत देती है। कहा जाता है कि जिसने भी समय का आदर किया वह सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंच गया। तो बच्चों,
आपने यहाँ सीखा कि घड़ियां कितने प्रकार की थी, कैसे घड़ियां बनी और कितनी मेहनत लगी घड़ियां बनाने में। तो ये घड़ी की सुइयां हमें क्या सिखाती है, समय के निरंतर बढ़ने रहने का। जैसे घड़ी की सुइयां हमेशा आगे बढ़ती रहती है, वैसे हमें भी जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और कहा जाता है कि जिसने भी समय का आदर किया वो सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंच गया। तो बच्चों इस पे मैं आप एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी, जैसे कि लॉकडाउन और कोरोना की वजह से हम स्कूल नहीं जा पा रहे, आप लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हो, तो आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे कि सभी के स्कूल में ऑफलाइन ऑनलाइन जो क्लासेस चल रहे हैं, आपके टीचर्स इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको भी अपना समय जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस है उसमें अपने आप अच्छी तरीके से कोशिश करो कि आप जितना हो सके अच्छे से अच्छा पढ़ सको। आपको समझना है कि मैं स्कूल में ही बैठकर पढ़ाई कर रहा हूँ, वैसे ही आपको अच्छे से अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए और अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए। चलिए बच्चों आज हम घड़ी की विकास यात्रा पर चलते हैं, यानी कि घड़ी की विकास यात्रा पर चलते हैं जो पेज नंबर 58 यानी कि 58 पर है। और घड़ी की विकास यात्रा यानी कि घड़ी की डेवलपमेंट पीरियड, घड़ी कौन से साल में कौन सी घड़ी की खोज हुई, 500 से 30वीं ईस्वी पूर्व, यानी कि हम पूर्व सॉरी 500 से 300 ईस्वी पूर्व मिस्र में पहली बार सूर्य घड़ी का उपयोग किया गया, 400 ईस्वी पूर्व ग्रीस के लोग पत्ती की घड़ी से समय का पता लगाने लगे थे, 980 ईस्वी राजा एफ्रेड जलती हुई मोमबत्ती से समय का अंदाजा लगाते थे, 1583 ईस्वी गैलीलियो ने महसूस किया कि पेंडुलम के हिलने की गति उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, 1657 ईस्वी क्रिश्चियन हाइगर्स ने पहली पेंडुलम घड़ी बनाई, 1838 ईस्वी लुईस ऑडिमास ने पेंचदार घड़ी और उसकी यांत्रिक की खोज की, 1868 ईस्वी पैटक फिलिपी ने पहली रिस्ट वॉच का आविष्कार किया, 1888 ईस्वी कॉटियर ने पहली लेडीज रिस्ट वॉच बनाई, 1902 ईस्वी पहली ओमेगा रिस्ट वॉच बनी जर्मनी में, 93,000 घड़ियां बिकी, 1914 ईस्वी पहली अलार्म रिस्ट वॉच एट्रना द्वारा बनाई गई, 1923 ईस्वी पहली ऑटोमेटिक रिस्ट वॉच जॉन हार्डवुड द्वारा बनाई गई, 1925 ईस्वी पेंटेक फिलिपी ने कैलेंडर युक्त रिस्ट वॉच बनाई, 1927 ईस्वी पहली वाटर रेसिस्टेंट घड़ी का निर्माण रोलेक्स ऑयस्टर ने किया, 1930 ईस्वी महिलाओं के लिए छोटे आकार की घड़ियां बनाई गई, 1945 ईस्वी रोलेक्स डेट ने पहली ऐसी घड़ी बनाई जिसमें तारीख भी थी, 1946 ईस्वी ऑडिमास पिग्वेट ने दुनिया की सबसे पतली घड़ी बनाई, 1953 लिप्स ईस्वी लिप्स ने पहली बार बैटरी से चलने वाली घड़ी बनाई, 1957 ईस्वी हेमिलट्स ने पहली इलेक्ट्रॉनिक वॉच का निर्माण किया। तो बच्चों ये थी हमारी घड़ी की यात्रा। तो बच्चों कोई भी चीज हो, घड़ी हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, या कि छोटा सा हमारा हेयर ड्रायर हो या नेल कटर हो, तो उसके पीछे बहुत ही कड़ी मेहनत लगती है। और बच्चों मैं आपको एक और जानकारी बताना चाहूंगी कि आजकल एक नई घड़ी आई है जो है स्मार्ट वॉच, उससे हम फोन भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, समय भी देख सकते हैं। तो जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे नई खोज भी होती जा रही है। तो धन्यवाद बच्चों।